4 जून 2024, 543 सीटों पर लोकसभा चुनावों के नतीजे आ गए। एनडीए इतिहास रचते हुए तीसरी बार केंद्र में सत्ता संभालेगी। एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 जून को एनडीए और इंडिया गठबंधनों की मीटिंग हुई, जिसमें एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपने गठबंधन का नेता चुन लिया है। तो आज आसान भाषा में जानेंगे कि गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, देश की प्रमुख गठबंधन सरकारों के बारे में भी आपको बताएंगे, ये भी जानेंगे कि चुनावों के बाद अब गठबंधन की सरकार बनाने की क्या प्रक्रिया होगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देख रहे हैं आसान भाषा में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्तमान से, प्रेजेंट से, आज से। सबसे पहले जानते हैं 2024 के चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। एनडीए की मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, जिसकी संख्या पिछली बार के चुनावों में 303 रही थी, यानी बीजेपी की सीटें घटी हैं। वहीं दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं 37 सीटों के साथ। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की जरूरत थी, मगर इन आंकड़ों से ये साफ है कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों के गठबंधन एनडीए के दम पर सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। एनडीए को इस चुनाव में टोटल 293 सीटें मिली हैं। वहीं विपक्ष की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। इसलिए एनडीए ने दावा पेश कर दिया है और खबर है कि 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये तो हमने मौजूदा हालातों का जायजा ले लिया, अब जरा हम बैक गियर लेते हैं और नानी की कहानी की तरह शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले गठबंधन शब्द को ही जान लेते हैं। गठबंधन शब्द अंग्रेजी के कोलेशन का हिंदी अर्थ है। कोलेशन शब्द लैटिन भाषा के वर्ड कोलेशियो से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्रो टुगेदर, यानी साथ में बढ़ना। इस तरह कोलेशन का मतलब हुआ अलग अलग टुकड़ों को मिलाकर कोई एक इकाई बनाना। और राजनीति के संदर्भ में कोलेशन का मतलब हुआ जब अलग अलग राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर एक साथ आती हैं, जैसे कि 90 के दशक में नेशनल फ्रंट बना, यूनाइटेड फ्रंट बना आदि। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि गठबंधन की सरकार तब बनती है जब किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिला हो। भारत में गठबंधन सरकार का एक लंबा चौड़ा दौर रहा है, उसकी शुरुआत हुई थी इमरजेंसी के बाद। कुछ प्रमुख गठबंधन सरकारों को देखते हैं। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास पर नज़र डालें तो 70 के दशक में भारत में पहली बार कोई गठबंधन सरकार ने दिल्ली की सत्ता में धमक दी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हुई और 2 साल बाद 1977 में लोकसभा चुनाव कराए गए। इमरजेंसी को लेकर सभी पार्टियों में विरोध था। इंदिरा गांधी को हटाने के इरादे से अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों ने गठबंधन किया और इस तरह 1977 में उदय हुआ जनता पार्टी का। इसमें जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और नई नई बनी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी थी। इन पार्टियों ने चुनावों से ठीक पहले जनवरी 1977 में गठबंधन किया और बनाई जनता पार्टी। 77 के चुनाव में जनता पार्टी को 298 सीटें मिली। 1971 में जिस कांग्रेस के पास 350 सीटें थी, वो घटकर इस चुनाव में 153 सीटें रह गईं। हालांकि आपसी भीतरघात के चलते जनता पार्टी का एक कुनबा ज़्यादा देर एक साथ नहीं रह पाया। जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद इंदिरा गांधी के सपोर्ट से किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने सरकार बनाई। ये सरकार भी 23 दिनों तक ही टिकी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और यही गठबंधन सरकार का सबसे बड़ा रिस्क भी होता है, अस्थिरता। 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी और 1984 में हत्या होने तक प्रधानमंत्री बनी रहीं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में चुनाव हुए और ऐसा मैंडेट आया जो आज तक हिंदुस्तान में कोई पार्टी रिपीट नहीं कर पाई है। कांग्रेस को 541 में से 414 सीटें मिली। इसके बाद 80 और 90 के दशकों ने सबसे ज्यादा गठबंधन वाली सरकारें देखी। 1989 दूसरी गठबंधन वाली सरकार का समय। सरकार बनाने वाली गठबंधन का नाम नेशनल फ्रंट, वीपी सिंह नेशनल फ्रंट, दिसंबर 1989 से नवंबर 1990। 1989 में 529 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें जनता दल को 143 सीटें मिली, बीजेपी को 85, सीपीआईएम को 33, सीपीआई को 12, बसपा को 3, कांग्रेस को 197 सीटें मिली। जनता दल की अगुवाई में नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई जो 1989 से 1990 तक चली। इस गठबंधन की सरकार में वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। जनता दल ने ये चुनाव जीता था।
राजीव गांधी सरकार में भीषण करप्शन के नाम पर, खासतौर पर बोफोर्स स्टील के नाम पर। खैर, दिसंबर 1989 में सरकार बनी और कुल 19 महीनों तक ये चली। नवंबर 1990 में वीपी सिंह की जगह चंद्रशेखर पीएम बने, मगर इसी दौरान वीपी सिंह की सरकार ने कई रिफॉर्म्स किए जिसने देश की दिशा ही बदल दी। उन्होंने आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया। वीपी सिंह के इस फैसले से ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिला। इसके बाद देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब सत्ता में आए तो एक नारा खूब चला था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। 1989 के चुनावों में वीपी सिंह ने बोफोर्स तोप की खरीद में घोटाले का आरोप लगाया और कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। उसे केवल 197 सीटें मिली, वहीं वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने 143 सीटों पर जीत दर्ज की। हिंदुत्व के मुद्दे पर सवार भाजपा ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की। 1980 में अस्तित्व में आई भाजपा का यह सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। वीपी सिंह के राष्ट्रीय मोर्चा को भाजपा और लेफ्ट दोनों ने बाहर से समर्थन दिया और वीपी सिंह पीएम बने। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर देश में हड़कंप मचा दिया। सवर्ण छात्रों ने देश में आंदोलन छेड़ दिया। खूब बवाल हुए पर वीपी सिंह ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जहां सरकार के निर्णय को संवैधानिक मोहर मिल गई। आपने इंदिरा साहनी केस का नाम सुना होगा, वो इसी मामले से जुड़ा था और देश में आरक्षण लागू हो गया। उस दौर की कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो दौर था जब देश में हिंदुत्व की लहर जोर पकड़ रही थी। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू की। मकसद था अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन खड़ा करना। बिहार में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने इस मुद्दे पर लोकसभा में सरकार को घेरते हुए कहा कि नेशनल फ्रंट ने सरकार में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर भी अपने 64 समर्थकों के साथ पार्टी से अलग हो गए। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद गठबंधन से ही समाजवादी नेता चंद्रशेखर पीएम बने। उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने सबसे बड़ा दल होने के नाते राजीव गांधी की कांग्रेस को सरकार बनाने का न्यौता दिया, पर बहुमत नहीं होने की वजह से कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती थी। यहाँ एंट्री हुई बलिया के बाबू साहब माने चंद्रशेखर की। उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली और इस प्रकार चंद्रशेखर देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। उन दिनों अमेरिका ने खाड़ी युद्ध छेड़ रखा था। कांग्रेस की नाराजगी के बावजूद चंद्रशेखर सरकार ने अमेरिका के लड़ाकू जहाजों को भारत में तेल भरने की इजाजत दी थी। कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी कि चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई। दरअसल हुआ ये कि राजीव गांधी के आवास के बाहर हरियाणा पुलिस के दो सिपाही सादे कपड़ों में पकड़े गए। कांग्रेस चंद्रशेखर से नाराज तो थी ही, जासूसी कांड ने उसे एक मौका दिया और राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। लिहाजा चंद्रशेखर की सरकार भी गिर गई और राष्ट्रपति ने दोबारा लोकसभा चुनावों की घोषणा की। चंद्रशेखर की गठबंधन वाली सरकार 223 दिनों तक चली, जो 10 नवंबर से 21 जून 1991 तक का समय था। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1991 में चुनाव हुए। कांग्रेस को 521 में से 232 सीटें मिली, वहीं बीजेपी 120 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस ने जनता दल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और अपने राजनीतिक संन्यास की तैयारी कर चुके पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने। 1 जून 1991 से 16 मई 1996 तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी सरकार में देश की इकॉनमी को अलग राह मिली। भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इनकी शुरुआत हुई। देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना। लाइसेंस परमिट राज खत्म हो गया। इसी तरह एचडी देवगौड़ा की अगुवाई में अगली गठबंधन की सरकार बनी, जो बेहद कम समय के लिए रही। बीजेपी को 543 में से 161 सीटें मिली थी, जो साफ तौर पर 272 के बहुमत से कम थी। दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, जिसे 140 सीटें मिली थी। उनके पास भी मेजॉरिटी नहीं थी। कांग्रेस ने खुद सरकार बनाने के बजाय यूनाइटेड फ्रंट को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया और सीपीआईएम ने यूनाइटेड फ्रंट के गठबंधन को ज्वाइन कर लिया। जनता दल ने यूनाइटेड फ्रंट की अगुवाई में सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया और एचटी देवगौड़ा पीएम बन गए। एचटी देवगौड़ा ने एक साल के अपने कार्यकाल में टैक्स सुधारों को लाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उनके कार्यकाल में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। उन्होंने जो बजट पेश किया उसे ड्रीम बजट कहा जाता है, क्योंकि इससे आम आदमी और कंपनियों दोनों पर टैक्स का बोझ घटा। इनकम टैक्स की ऊपरी सीमा 40 से घटाकर 30% कर दी गई। कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज खत्म हुआ। पहली बार काले धन को सामने लाने के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम आई। उस साल पर्सनल इनकम टैक्स से रिकॉर्ड करीब 18,700 करोड़ रुपए की आय हुई। बहरहाल कांग्रेस ने एचडी देवगौड़ा के साथ मतभेदों के कारण अपना समर्थन वापस ले लिया
और 21 अप्रैल 1997 को एचटी देवगौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट के ही आईके गुजराल को पीएम बनाने पर घटक दल सहमत हुए। कांग्रेस ने एक बार फिर से समर्थन दिया और गुजराल पीएम बने, मगर कांग्रेस ने एक बार फिर से समर्थन खींच लिया और 9 महीने के बाद ही यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिर गई। इसके बाद 1998 में चुनाव हुए और बीजेपी फिर सत्ता में लौटी। वाजपेयी फिर से पीएम बने, मगर गठबंधन के साथ श्रोमणी अकाली दल, समता पार्टी, AIADMK और BJD, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तृणमूल कांग्रेस समेत पार्टियों के साथ मिलकर NDA बनाया और सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया। 1999 की शुरुआत में AIADMK की जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया, एक बार फिर से सरकार गिर गई। 1999 में दोबारा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी वाले एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिली। जुलाई 1999 में कारगिल लड़ाई की वजह से बीजेपी वाली सरकार के प्रति एक समर्थन की लहर थी, जिसका फायदा पार्टी को चुनावों में मिला। इस चुनाव में बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर मैदान में उतरी। बीजेपी 339 सीटों पर लड़ी और बाकी सीटों पर अपनी 20 सहयोगी पार्टियों को जगह दी। नतीजों में अकेले बीजेपी ने अपने ही दम पर बहुमत हासिल कर लिया। 543 में से बीजेपी को 182 सीटें मिली और कांग्रेस को 141 सीटें मिली थी। बीजेपी ने सहयोगी पार्टियों के साथ एनडीए गठबंधन में सरकार बनाई। एनडीए सरकार ने वित्तीय घाटा कम करने के लिए FRBM का खाका खींचा। FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। दरअसल देश का घाटा बहुत बढ़ गया था, कोई सीमा नहीं थी कि सरकार कितना उधार ले सकती है कितना नहीं, जिससे अर्थव्यवस्था को खतरा था। इकॉनमी में स्थिरता लाने के मकसद से FRBM का खाका तैयार करने की नींव NDA सरकार ने ही रखी। इसके बाद निजीकरण का दौर भी इसी NDA सरकार में शुरू हुआ। घाटे वाले PSU का विनिवेश किया गया, इसके लिए बकायदा डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया। गांव में इंफ्रा मजबूत करने के लिए PM ग्राम सड़क योजना लाई गई। 2000 में पहली बार IT एक्ट लाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 तक प्रधानमंत्री बने रहे और PM का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी PM बने। 2004 से 2009 तक कांग्रेस की अगुवाई में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने सत्ता में राज किया। प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह। आपको 2004 के चुनावों का डेटा बताते हैं। कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी, एनडीए को 138 सीटें और 43 सीटें मिली CPIM को। एक बार फिर से किसी को भी बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल सेकुलर, केरला कांग्रेस, सपा, BSP, लेफ्ट फ्रंट से समर्थन लेकर 335 सांसदों के साथ सरकार बनाई। 2004 से 2009 के बीच UPA सरकार में भी कई रिफॉर्म्स हुए। राइट टू एजुकेशन एक्ट से लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड भी इसी संगठन की सरकार में आए। इसी UPA सरकार में मनरेगा की शुरुआत हुई, जिसमें गरीबों के लिए न्यूनतम रोजगार गारंटी की व्यवस्था हुई। पेट्रोल डीजल के दाम तय करने का जिम्मा सरकार से उठाकर कंपनियों को दे दिया गया। इसके बाद 2014 में फिर सरकार बदली और एक बार फिर बीजेपी की अगुवाई में NDA ने बहुमत साबित किया और PM बने नरेंद्र मोदी, और यही गठबंधन अभी तक सत्ता में है। 2014 और 2019 में NDA सत्ता पर काबिज रहा, लेकिन गौरतलब तथ्य ये भी है कि 2014 और 2019 दोनों में अपने बूते सत्ता हासिल की। नवनिर्वाचित संसद के मैथमेटिक्स के अनुसार भाजपा के पास 240 सीटें हैं, वहीं उसके सहयोगी दलों ने 53 सीटें जीती हैं। NDA में भाजपा की 240, TDP की 16, जदयू की 12, शिवसेना की 7, लोजपा रामविलास की 5 और अन्य सहयोगी दलों के पास 13 सीटें हैं। यानी NDA गठबंधन के पास कुल सीटें हैं 293, बहुमत के लिए चाहिए हैं 272। माने गणित के हिसाब से NDA के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ है। आम चुनाव भारत देश के लिए सबसे बड़ा पर्व है। नतीजों के बाद एक बात स्पष्ट है कि अब देश में नई सरकार का गठन होगा, पर यहाँ नई सरकार का मतलब किसी पार्टी या PM से नहीं, बल्कि सरकार के कार्यकाल से है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जो 2019 में पावर में आई थी, उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब देश में नई सरकार बनेगी, जाहिर है इस बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, पर इस बार एक पेच है गठबंधन की सरकार। पिछले दो कार्यकाल 2014 और 2019 में भाजपा ने अकेले क्रमशः 282 और 303 सीटें जीती थी। इस बार भाजपा 240 सीटें ही जीत पाई, उसके सहयोगियों को मिलाकर फाइनल टैली हुई 293। माने सरकार बनेगी, मोदी PM भी बनेंगे। खैर, ये सब चर्चाएं होती रहेंगी, पॉलिटिकल गलियारों में भी खूब बातें होंगी। इस बीच खबर आई कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही उनसे मंत्रिमंडल और देश की 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। इसके बाद क्या होगा? होता यह है कि जिस दल के पास सबसे अधिक संख्या होती है, राष्ट्रपति उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब सवाल है कि राष्ट्रपति किसे बुलाएंगी? भारत में चली आ रही व्यवस्था के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन को 272 या उससे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, उस पार्टी या कोलिशन के नेता को सरकार बनाने का मौका मिलता है।
अब ये चर्चा भी है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि सबसे बड़े दल के तौर पर सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस का दावा ज़्यादा मजबूत है क्योंकि उनके पास 293 सीटें हैं। इन चुनावों के बाद भाजपा सत्ता में तो लौट रही है पर अपने दम पर नहीं। भाजपा को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी से समर्थन लेना होगा। ये दोनों पार्टियां वैसे तो भाजपा के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अगर भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत होता जैसा कि 2014 और 2019 के चुनावों में था तो इन पर भाजपा की डिपेंडेंसी उतनी नहीं होती जितनी आज है। अब राजनीतिक चर्चाओं में ये भी चल रहा है कि जदयू या टीडीपी समर्थन के बदले में स्पीकर पद की मांग कर सकते हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि कोलिशन सरकार में स्पीकर का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है, स्पीकर की पावर्स क्या क्या होती हैं। स्पीकर पद की जो भूमिका है वो आप संसद का जो आखिरी 2-3 सत्र था उसमें आप देख सकते हैं। सरकार को कुछ सवाल पसंद नहीं थे तो बहुत सारे विपक्षी सांसदों को उन्होंने निलंबित किया और वो संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक तरीके से जो भी लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं उनको शर्मिंदगी होती थी कि आप सीधे तौर पर विपक्षी दलों के सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर की तरफ जाते हैं। मान लीजिए कि जो सत्तारूढ़ दल है ए, उसका विधानसभा अध्यक्ष है और उसके कई सहयोगी हैं, 10 सांसदों वाले 15 सांसदों वाले। अब इसमें उसने तोड़फोड़ करा दिया। मान लीजिए कि उसको पता चला कि उसका जो सहयोगी दल है मिसाल के तौर पर जनता दल यूनाइटेड वो उसके समर्थन वापस लेने जा रहा है तो उसके 5 सांसदों को अपने से मिला लिया। दल बदल जो निरोधक कानून है उसके हिसाब से गलत है, हम सब देखेंगे हमें लगेगा गलत है जैसा कि महाराष्ट्र में हम सबको लगा था। लेकिन अब जो हमारे स्पीकर महोदय हैं वो चाहे तो अनंत काल तक इस पर विचार कर सकते हैं, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको झाड़ पड़ेगी, फिर भी वो टाले जाएंगे और अंत में पता चलेगा कि वो 2.5 साल 3 साल बाद उस पर एक जजमेंट देते हैं। जजमेंट भी वो गड़बड़ देंगे, हो सकता है सही भी दे पर अगर ऐसा होता है वो गड़बड़ देते हैं तो फिर जो प्रभावित पक्ष है फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फिर से यहाँ भी वो सारी प्रक्रिया हो सकती है। तो एक तो है कि स्पीकर सम्मान का पद है, दूसरा कि अगर आप याद करें तो जीएमसी बाल योगी जो थे गंती मोहन बाल योगी वो भी डीपी के नेता थे और जब सरकार थी वाजपेयी की तब वो बने थे लोकसभा के अध्यक्ष, बाद में उनका देहांत हो गया तो वो एक बड़े नेता के रूप में टीडीपी के उभर रहे थे। हो सकता है ये नायडू या किसी और को टीडीपी लोकसभा का अध्यक्ष बनाने की मांग कर रही है। तो एक तो ये है कि अगर हम पदों की हायरार्की देखें तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आता है, लेकिन जब कोलिशन की सरकार हो तो उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और वो भूमिका उस समय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जहाँ पर तोड़फोड़ की संभावनाएं काफी हैं। तो आज के आसान भाषा की किश्त यहीं पर समाप्त होती है। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी मानस और उपासना ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।